हम सबको इंसान होने का अधिकार दिलाया, समानता की बात की, असमानता जैसे भेदभाव का ग्रंथ को आज ही के दिन उन्होंने जलाया। ऐसे हमारे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष, संविधान निर्माता, जिनके लिखे संविधान के द्वारा आज मेरा भारत अभी भी एकता और अखंडता की आधार पर एकजुट है, ऐसे महामानव बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक बार आप जोरदार नारा लगाएंगे। जितने भी मेरे भाई बहन माता बहने यहाँ खड़ी हुई है, मेरे बच्चे, सभी से अनुरोध है, जोरदार एक नारा लगेगा, जय भीम, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चुप। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए हमारे भारत को, हमारे विविधतापूर्ण भारत को, जहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप के लोग रहते हैं, अनेक तरीके का खान पान है, उसके बावजूद भी मेरे भारत को एकजुटता की जंजीरों में पिरोने वाले, एकजुटता, अखंडता, एकता को अक्षुण बनाए रखने का लिए जो दस्तावेज जिन्होंने लिखा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, इस देश में सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति के दूत मानवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की चार चार बार मुख्यमंत्री रही, बहन जी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में मुझे काम करने का मौका दिया और निरंतर मैं आप लोगों के बीच हूँ। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि एक इस देश की जो पार्टी है, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित लोगों की पार्टी है, वो भविष्य में इस देश की शासन सत्ता पर बैठेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन वो सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया कि आप बहुजन समाज पार्टी में क्यों आते हो, इतनी पॉपुलर। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहती हूँ। नो डाउट कि आज हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति का, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी एसटी माइनॉरिटी हो, जैसे कि बहुजन शब्द का पहले सबसे पहले प्रयोग तथागत गौतम बुद्ध जी ने किया था। उन्होंने समतामूलक समाज की बात की, उन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए काम किया और इस भारत जैसे विशाल देश से पूरे विश्व को ये परचम लहरा दिया कि मानवता ही अल्टीमेट सब कुछ है, ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारा जो विजन है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा उद्देश्य है, वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से लेकर के मानवर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी से लेकर के कितने हमारे महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान की देन है कि आज हमारा ये समाज अपने हक अधिकार के लेकर के अवेयर है। यहाँ मेरी जितनी माता बहनें और बच्चे हैं, बहुत लोग जा चुके हैं, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं लेट हो गई, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ का खड़ा हर बच्चा अगर मैं किसी से पूछना चाहूंगी कि बाबा साहब कौन थे, तुरंत बता देगा। मानवर साहब कौन थे, तुरंत बता देगा। हमारा मिशन क्या है, तुरंत बता देगा। इसके पीछे सिर्फ कारण ये नहीं है कि उन बच्चों को, उन हमारी बच्चियों को, माताओं बहनों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है, नहीं, ये हमारा मिशन है। और ये मिशन हमारा वो है कि इस देश का एक हिस्सा होने के बावजूद भी हम लोगों को कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया, पानी पीने का अधिकार नहीं हमें दिया गया, हमें एक साथ रेस्टोरेंट में खाने का अधिकार नहीं दिया गया, हमें इस देश के अंदर ऐसा व्यवहार किया गया कि हम इंसान ही नहीं हैं। तब फिर उस धर्म की बात होगी जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, और वो है हमारा बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, जो कहते हैं कि करुणा ही सब कुछ है। अगर किसी को देख करके आपकी आंखों में आंसू नहीं है, आपको दर्द, उस व्यक्ति के दर्द को आप महसूस नहीं करते, तो एक बार अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप वाकई में आप मानव हैं। तो
फिर सदियों तक मेरे देश के अंदर हमारे अपने लोग जो इतनी पीड़ा में रहे, जिनको शोषित वंचित रखा गया, उनको देख करके लोगों को दर्द क्यों नहीं हुआ? उसी बेटे को दर्द क्यों हुआ वो अलग बात है कि बाबा ऐसी समाज से आते थे, लेकिन आज इस मंच पे मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक ऐसा महापुरुष इस भारत की धरती पर हुआ जिन्होंने अपना ही ऐसी समाज नहीं, जिन्होंने बहुजन समाज और देश की एंटायर कम्युनिटी के लिए एक बहुत सशक्त संविधान लिखा है। वो संविधान क्या सिर्फ ऐसी समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं, वो समता मूलक समाज की बात कर रहा है, वो महिलाओं को भी अधिकारों की बात कर रहा है, और साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब कि उनके साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। ऐसे महापुरुष के विचारों से ये संविधान लिखा गया। समझिए अपनी ताकत को, समझिए अपनी आइडियोलॉजी को, समझिए अपने विचारों को। मैं इस मंच की आयोजन समिति के जितने मेरे भाई हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप लोग हर साल इसका आयोजन करते हैं, और इस बार इस मंच पर आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और ऐसे कार्यक्रम देश के कोने कोने में होने चाहिए, क्योंकि मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है, जो समता मूलक समाज की बात करने वाला कार्यक्रम है, जिसकी जड़ में ये है कि इस देश का अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का है, भूखा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो उसके लिए हम खड़े हैं, तो फिर ऐसे मंचों से ये बात होनी चाहिए। फिर ऐसे समाज को देश का क्यों ना करता धरता बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लीडरशिप दे दी जाए, क्योंकि हम ही तो वो लोग हैं जो भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं, और जो भेदभाव के खिलाफ लड़ेगा उससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि भेदभाव बॉर्डर पर नहीं हो रहे, भेदभाव अपने देश के अंदर हो रहे हैं। अपने लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए, उनके हक अधिकार को छीनने के लिए हो रहे हैं। तो इस भेदभाव से कमजोर कौन हो रहा है? क्या एक सिर्फ कम्युनिटी कमजोर हो रही है? नहीं, ये देश कमजोर हो रहा है। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मानक आते हैं कि भारत पूरे विश्व में गरीबी की रेखा में, सूचकांक में कौन से स्तर पर है, तो हम निचले पायदान पे चले जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, लोगों को स्वतंत्रता के क्षेत्र में कौन के नंबर पर हम पायदान में नीचे चले जाते हैं? कई एक सूचकांकों में हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? मेरे देश भारत की बात हो रही है, जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये उस कम्युनिटी को, जिसकी बहुसंख्यक आबादी अगर आज भी भूखी सो रही है, शोषित पीड़ित वंचित है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तो ये मेरे देश की अंदर की दशा को दर्शाता है। ये मेरा देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उन्होंने उस संविधान में मौलिक अधिकार दिए। जो प्रीएम्बल लिखी गई प्रस्तावना, जिसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिर्भर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, हम भारत के लोग, और उन हम भारत के लोगों में इस देश का ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, एसटी समाज, महिलाएं, थर्ड जेंडर, हर कोई शामिल है। फिर भेदभाव किसके साथ? बाबा साहब ने वो संविधान लिखा सबको रिप्रेजेंट करते हुए, कि पूरे भारत की सारी कम्युनिटी के हक अधिकार इसमें समाहित है, और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, वो सब इसमें समाहित है। तो ये हम लोगों को विचार करना है कि हम ऐसे समाज से आते हैं, हम ऐसी पार्टी की आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारा मिशन इतना स्ट्रांग है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। मानवतावादी पार्टी, हमारे पास बुद्ध है, हमारे पास बाबा साहब है, हमारे पास महाम्मद साहब कांसीराम है, हमारे पास छत्रपति साहू जी महाराज है, जिन्होंने सबसे पहले अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन दिया था। ये रिजर्वेशन कोई किसी को खैरात में नहीं दिया जाता, चाहे वो संविधान में दिया गया हो, या फिर वो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया हो, या किसी भी
एजेंसी में कहीं पर भी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन है तो इसके पीछे उद्देश्य है। छत्रपति साहू जी महाराज से एक उनके प्रधान सचिव थे, उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों को आपने रिजर्वेशन दे दिया है ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये काबिल नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। जिनको हमने अपने समक्ष नहीं बैठाना, जिनको हमने पढ़ाया नहीं, पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने से रोका, जिनको हमने पानी नहीं पीने दिया, जिनको हमने इंसान नहीं समझा, अचानक से अगर हमने उनको रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दे भी दी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये भी हमारी ही कमी है। और इस कमी को मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है और आज भी बहुत लोग छींटाकशी कर देते हैं इस बात की लेकर के कि काबिलियत नहीं है, नंबर कमाए फिर वहां पहुंच गए। मैं कहती हूँ इक्वल लेवल पे उन दोनों बच्चों की, चारों पांचों बच्चों की, जितनी एंटायर कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, इक्वल माहौल दे दो, एक जैसा वातावरण दे दो, फिर कंपटीशन करवाओ कौन काबिल निकलता है कौन नहीं।